देश भर में आज गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। वहीं राजधानी दिल्ली के आपको बता दें नारायणी गौशाला जो कि फतेहपुर बेरी में स्थित है, यहां पर भी भगवान गोवर्धन को भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई और अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। फतेहपुर बेरी स्थित नारायणी गौशाला में जो कि श्री सत्यनारायण सेवा संघ द्वारा संचालित है, इसमें पंडित शिवम साधक जी महाराज ने विधि विधान से हवन पूजन कराया। मुख्य यजमान जय कुमार तवर ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप गोवर्धन पर्वत की पूजा कर उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया। मुख्य अतिथि मेजर भूपेंद्र शर्मा ने गौशाला में उपस्थित गौवंश को चारा खिलाया। इस मौके पर श्री अमृत पाठक, कार्तिक कंवर, पूनम चौहान, मनीष गर्ग, मोनू अग्रवाल, अजय जैन आदि मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गोवर्धन पूजा यहाँ पर करी जा रही है। जी हाँ, नारायणी गौशाला के अंदर ये पूजा अर्चना जो है विधि विधान के अनुसार करी जा रही है। आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूजा अर्चना करी जा रही है। देश भर में गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, लेकिन गोवर्धन पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, क्या इसके शुरुआती तौर होते हैं और किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर खुद पंडित जी ने भी बताया कि गोवर्धन पूजा किस लिए करी जाती है और साथ ही साथ जिस तरीके से नारायणी गौशाला की तरफ से ये गोवर्धन पूजा जो है कराई जा रही है। इसमें देखिए क्योंकि जो यजमान है वो भी यहाँ पर बैठे हैं, पंडित जी हैं और साथ ही जो लोग और भी पूजा में शामिल हुए सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने विचार भी रखे कि किस तरीके से आज की जो युवा पीढ़ी है जो भूल चुकी है सनातन को कैसे बढ़ाना और गौ माता, क्योंकि सबसे बड़ी अगर कोई है तो वो है गौ माता, गौ माता का कैसे ध्यान रखना है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई और किस तरीके से यहाँ पर देखिए गोवर्धन पूजा जो है वो करी गई। बकायदा यहाँ पर जो गौशाला के अंदर जो गाय थी उनको यहाँ पर प्रसाद खिलाया गया, उनको टीका लगाया गया, उसके बाद गोवर्धन भगवान की जो पूजा है वो करी गई। यहाँ पर देखिए किस तरीके से सभी लोग पहुँचे हैं और ये गौशाला के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नारायणी गौशाला जो कि फतेहपुर बेरी में स्थित है, यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से पूजा अर्चना जो है वो करी जा रही है और लगातार जिस तरीके से हर साल यहाँ पर अलग अलग यजमान और अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो जय कुमार है मुख्य यजमान है जो जय कुमार तवर, उनके द्वारा ये पूजा जो है कराई गई, जिसमें कि आपको बता दें पंडित जी के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग जो लोग हैं इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे और सभी ने गोवर्धन पूजा में अपनी भागीदारी निभाई। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गायों की जिस तरीके से जो सेवा है वो करी जा रही है। गौशाला काफ़ी पुरानी है और यहाँ पर लगातार इसी तरीके से पूजा जो है वो करी जाती है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि आज गोवर्धन का दिन है और गोवर्धन पूजा किस तरीके से करी जाती है उसको लेकर भी यहाँ पर पंडित जी ने बताया। विधि विधान से ये सारी पूजा जो है वो करी गई और यहाँ पर जिस तरीके से सभी लोग हैं वो पहुँचे और उसके बाद प्रसाद जो वितरण है वो भी किया गया, सभी लोगों ने प्रसाद जो है वो भी ग्रहण किया। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ातरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें। साथ ही आरसो न्यूज़ को आप फेसबुक और डेली हंट पर भी फॉलो करें। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ें। आरसो न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन हेमंत कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आरसो न्यूज़ पर। जी बहुत ही आनंद आया और हमारी युवा जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि धर्म के प्रति जागरूकता, और हम जानते ही नहीं गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है। आज के दिन ही इंद्र का अभिमान दूर करके भगवान श्री कृष्ण ने श्री गिरिराज महाराज का पूजन कराया था, तब से ब्रजवासियों को ये पता चला कि ऐसे किसी को नहीं पूजना चाहिए, सिर्फ एक ही नारायण का ही पूजन होना चाहिए। इसीलिए गोवर्धन का ये उत्सव मनाया जाता है और गो पूजा ही गोवर्धन पूजा है। जो व्यक्ति गौ की पूजा करता है, गौ की आराधना करता है, सेवा करता है, उस पर गोवर्धन महाराज की विशेष कृपा बरसती है। तो ये पूजा में कहाँ कहाँ से लोग जो है शामिल हुए और किनके सहयोग से जो है गोवर्धन पूजा? जी विशेषकर श्री जय कुमार तंवर जी के नेतृत्व में पूजा हो रही है, साथ में हमारे मेजर साहब पूनम चौहान जी, कपिल तंवर, अमित तंवर, कार्तिक तंवर,
दिनेश जी एवं बहुत सारे भक्तजन यहाँ पधारे हैं जिन्होंने गोवर्धन महाराज की पूजा की तैयारियाँ कई दिन से शुरू करी हैं। सुंदर जी हैं तो कई दिन से तैयारियाँ होते होते फिर आज बहुत ही सुंदर हवन यज्ञ के बाद सबसे पहले गौ पूजन हुआ, उसके बाद गोवर्धन महाराज का पूजन वंदन करके सभी ने साथ मिलकर परिक्रमा लगाई। ठीक, कब से आप लोग यहाँ पर मनाते आ रहे हैं इस गौशाला के अंदर? गौशाला में से हम 2 साल से कर रहे हैं, वैसे काफ़ी दिन से हमारा चल रहा है गौशाला ये का गोवर्धन का। और मेरे को गायों से गौ माता से पहले से ही बहुत प्रेम लगा हुआ है, बचपन से ही मैं गौ सेवा बहुत दिल से करता हूँ और हमेशा इसी में लगा रहना चाहता हूँ। मेजर साहब, पहले आप लोग देश की सेवा और अब गौ की सेवा, कितना ज़रूरी है गौओं की सेवा करना? देखो जी, हमारे सनातन धर्म में और वैसे भी गौ माता की सेवा तो सबसे उत्तम मानी गई है, और कृष्ण जी को तो वैसे भी गौ माता प्यारी है। इन्होंने जय कुमार जी ने बड़ा अच्छा संकल्प लिया है, जो गौओं को विचरती हुई गौओं को यहाँ ला के उनकी सेवा कर रहे हैं। हम साथ में इनके जुड़े हुए हैं और इनकी सेवा करते रहेंगे, और नए जो पीढ़ी है जैसे पंडित जी ने बताया, नई पीढ़ी को भी इस चीज़ का सीखना चाहिए और आगे चल के विचरती हुई गाँव को इधर उधर से इकट्ठा करके उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक, पंडित जी किस विधि विधान से जो है पूजा करी और क्या संकल्प लोगों को और आगे दिला के किस तरीके से जो यंग जनरेशन है आगे भी ये पूजा करती रहे? हमारे यहाँ ये सनातन धर्म की रीति है, सनातन धर्म की रीति के अनुसार ही हमने पूजा की, और यही है सर्वदेवमयी गौ, गौ माता में सभी देवता विद्यमान हैं। यदि हमने गाय की पूजा कर दी तो ये मान लो कि हमने सभी देवताओं की पूजा कर दी। यदि गाय को खिला दिया तो मानो 3300 करोड़ देवता जो है वो प्रसन्न हो गए। सर्वतो विश्वतो मुखम, यदि हमने गऊ को खिला दिया तो मान लो संपूर्ण जगत के मुख में सब कुछ चला गया। गाय के गोबर से ही गोवर्धन के प्रतिमा क्यों बनाई जाती है? हाँ, गोवर्धन, गोवर्धन क्या है, हमारे जो है सनातन धर्म में पहले से कृषि चली आ रही है, खेती जो होती है वो पहले से चली आ रही है। तो गोवर्धन क्यों बोला कि हमारी जो कृषि होती थी, भावी इंद्र ने वर्षा की, हमारी खेती को नष्ट करने का उपाय किया, तो क्या है खेती लहलाती हुई गोवर्धन, जब तक गोबर नहीं पड़ता था गोबर ही हमारी खेती को उत्तम बनाता था। आज हम केमिकल इत्यादि से अपनी खेतियों को बढ़ाते नहीं हैं, नष्ट करते हैं, जो हम खाते हैं उन अधिक बीमारियां भी हमको हो जाती हैं। इसलिए हमको गोवर्धन, यदि गोबर ही जो विशेष धन है ना हमारे जीवन में, तो गौ का जो गोबर है वो विशेष धन है। हम गाय के गोबर को पंचगव्य, जब यज्ञ होता है तो हम उसमें पंचगव्य पीते हैं। क्या पीते हैं? पंचगव्य। पंचगव्य जो होता है वो गौ के दूध का, दही का, घी का, मूत्र का और मल का, मतलब गोबर का, ये पांचों मिला करके तब पंचगव्य होता है, तब यज्ञ में प्रवेश कराया जाता है पिला करके, तो वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। क्यों जी? इसलिए जीवन में हम सृष्टि में किसी की मूत्र को हमने विशेषता नहीं दी, केवल सृष्टि में, संपूर्ण जगत में, पूरी सृष्टि में यदि किसी का मूत्र श्रेष्ठ है तो हमारी गौ माता का है, जो सभी बीमारियों को समाप्त कर देता है। ठीक ठीक, इसलिए ये गोवर्धन मनाया जाता है। गोवर्धन से बड़ा तो कुछ धन है ही नहीं, क्यों? खेती से तो ही सब कुछ होता है जी, क्यों? खेती नहीं होगी तो हम कैसे जीवित रहेंगे? ठीक है, अन्न ही अन्न वही प्राण, कलयुग में अन्न ही प्राण है, अन्न में ही परमात्मा का वास है, और अन्न गोवर्धन। आज मेरा नाम आचार्य ब्रह्मा शंकर पारा सर, मैंने बड़ी सुंदर ढंग से ये भगवान की पूजा कराई। अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम पूनम चौहान है, मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी एम्स में हूँ। हमारे यहाँ पे एम्स में लोगों की सेवा भी करते हैं, यहाँ पे गाय की भी सेवा करती आ रही है। आज गाय की पूजा की कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत आनंद प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, सारे लोगों का। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये हमारे यहाँ पे जो ये गौ सेवा का जो प्रदान का मौका मिला है, मैं चाहती हूँ हर बार मुझे मिलता रहे। इससे कैंसर लोग भी काफ़ी सही होते हैं, इसके मूत्र से भी काफ़ी लोगों को राहत मिलती है। हमारे यहाँ पे भी बताया जाता है कि गौमूत्र सबसे बड़ा वो होता है जिसके उद्देश्य से कैंसर लोग भी अच्छे से अच्छे लोगों का कैंसर ठीक हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ इस सेवा का मौका हमेशा मुझे मिलता रहे, और मैं इससे भी जुड़ी हूँ, अब मैं गौ सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। धन्यवाद। और समाज की सेवा में कोशिश करता हूँ अपने आप को। सर्वप्रथम तो ये हमारी बहुत बड़ी प्राचीन सभ्यता है जो धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता को देखते हुए विलुप्त हो रही है। प्रथम हमारे पूर्व किसी कवि ने लिखा है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब गो का धन इतना बड़ा है
तो हम गाय को अगर पूजा करें, गाय की सेवा करें और गाय के मल मूत्र गोबर को अपने सामाजिक जो हमारी दिन प्रतिदिन प्रक्रियाएं हैं उसमें शामिल करें तो हमारा क्या होगा, ये बेहतर सब जानते हैं। इसलिए माननीय जय कुमार जी, विगत 2 वर्षों से गाय की सेवा करना, गाय को चारा पानी देना, बीमार गाय को बाहर से लाना, उनकी दवा करवाना, मैं बहुत प्रभावी हूं उनसे और बहुत ही खुश हूं। उनके साथ आज ये गोवर्धन जी की पूजा हुई और इस समाज में गाय के प्रति लोगों को जागरूक करना, गाय का हमारे समाज में क्या महत्व है, गाय की कितनी महिमा है और गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी है, ये जानने के लिए जयकुमार जी का मैं दोबारा धन्यवाद देता हूं। और मैं समस्त नव युवक आने वाली पीढ़ियों से यह आह्वान करता हूं कि गाय को मत भूलें, गाय हमारी वास्तव में माँ है, माँ थी, माँ है, माँ रहेगी। जय गौ माता।